किसान भाइयों, जब हम अपनी लहराती फसलों को देखते हैं तो हमारे मन में बड़ी खुशी होती है। तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है वो इसी बात को लेकर है कि हमें गन्ने में किन चीज़ों का प्रयोग और कब प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जो फसल है हमारी एकदम हरी भरी रहे और उसका एक बढ़िया विकास हो। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो गन्ने की पत्तियाँ होती हैं वह हमें बहुत सारे संकेत देती हैं। अगर पत्तियाँ गन्ने की स्वस्थ नहीं है तो आप ये मानकर चलिए कि उस गन्ने में कोई ना कोई बीमारी लग चुकी है। तो किसान साथियों, अगर आपने अपनी फसल को एक बढ़िया रूप देना है, एक बढ़िया उसकी ग्रोथ करानी है और एक अच्छा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन प्राप्त करना है तो हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल खेती किसानी टैग पर। किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे गुजारिश करूँगा, उनसे निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने भाई के साथ में प्यार बनाकर चलें। तो किसान भाइयों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको जो मैं फसल दिखा रहा हूँ, आप ये देखकर बताइए कि इसमें किसी प्रकार का कोई रोग है। किसान भाइयों, हमने इसमें समय समय पर कुछ बातों का ध्यान रखा हुआ है, क्योंकि आजकल जो गन्ने में शिकायतें आती हैं वो सबसे ज़्यादा शिकायत आपकी पोका बोइंग और रेड रोट रोग की आती है। अगर दोनों रोगों की बात करूँ तो दोनों ही रोग फंगस वाले रोग हैं। इसका मतलब यह है, हमारे जो खेत में फंगस होती है उसी से इनकी उत्पत्ति हो जाती है। तो किसान साथियों, जिन खेतों में ज़्यादा अगर इनके कारण की बात करूं तो आखिर हमारे खेतों में ये फंगस के ज़्यादा जो रोग हैं वो क्यों आ रहे हैं। तो किसान भाइयों, आजकल आप सभी को बताएं कि जो हम किसान लोग हैं बहुत ही मात्रा में केमिकल खादों का प्रयोग कर रहे हैं। इन केमिकल खादों के प्रयोग करने से आपके इस प्रकार के रोग बढ़ जाते हैं। तो किसान भाइयों, इनको रोकने के लिए हमें कहीं ना कहीं या तो आप एक जैविक उत्पाद पर जाएं, लेकिन अभी वो संभव नहीं है। तो इसीलिए मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूँ कि हमें किस का स्प्रे करते रहना चाहिए समय समय पर। तो किसान साथियों, अगर आप जैसे कि टच स्टोन देख पा रहे हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मैनकोजेब दो आपके फफूंदी नाशक होते हैं। इनका प्रयोग आपने करना है और कितनी मात्रा में करना है तो किसान साथियों सुन लीजिए, आपने इनका एक एकड़ के हिसाब से 500 ग्राम आप ये मात्रा ले लीजिए। आप जरूरी नहीं इसी कंपनी का, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो टेक्निकल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मैनकोजेब होना चाहिए। इसी के साथ आपने क्या मिलाना है, इसी के साथ आपने जो पत्तियों की सबसे अच्छी ग्रोथ करता है, क्योंकि पत्तियों में जो जिंक की कमी होती है, जिंक की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, तो उनको हरा भरा करने के लिए हमें जिंक की आवश्यकता होती है। अगर जिंक के विकल्प के रूप में देखें तो सबसे बढ़िया विकल्प हमारे पास चेलामिन अराइज कंपनी का निकल के आता है, जो चेलामिन टेक्निकल प्लस इसमें जिंक होता है आपका, और यह आपका बहुत ही बढ़िया प्रकार का जिंक है, माइक्रो जिंक इसको बोलते हैं। इसकी आपने 250 ग्राम मात्रा उसी एक एकड़ खेत के लिए लेनी है। आपने कुल मिला के आपने 250 ग्राम जिंक लेनी है और 500 ग्राम आपने फफूंदी नाशक फंगस लेना है। इसके साथ ही आपने लगभग ढाई से तीन किलोग्राम यूरिया, इन तीनों का मिक्सर बनाकर आप बढ़िया एक घोल तैयार कर लें और लगभग 250 लीटर पानी में आप लेकर उसकी स्प्रे कर दें। जब किसान भाइयों आप इसका प्रयोग लगभग 2 से 3 बार करेंगे, एक अभी जो जुलाई का अंतिम माह चल रहा है तो इसमें ज़रूर प्रयोग करें, जब पत्तियां एकदम आपकी हरी भरी होती हैं, क्योंकि इस समय ये ग्रोथ के देने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। किसान साथियों, आप जब इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आप उम्मीद रखिएगा कि आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपके गन्ने की जो ग्रोथ होगी वह बड़ी आसानी के साथ तेज़ से बढ़ेगी, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ दिमाग में ही स्वस्थ शरीर का निवास होता है। तो जैसे कि कुल मिला के गन्ने की फसल भी हमारे शरीर की तरह ही है, आप जितना स्वस्थ रखेंगे उसका विकास उतना ही तेज़ी से होगा। तो किसान साथियों, चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।